देखिए, आज जो भी आप मीडिया के साथी यहाँ आए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, इसके विशेष रूप से दो मुद्दे हैं। एक तो अभी आपने देखा, संविधान में 124वां संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सवर्ण समाज के गरीबों को जो 10% आरक्षण दिया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इससे भी ज्यादा हमें दुखद इस बात का है कि जो बहुजन समाज के, विशेषकर दलित समाज के, SC ST वर्ग के जितने भी सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने जो इसका, ये जो गैर संवैधानिक काम हुआ है, इसका जो उन्होंने समर्थन किया है, हमें उस पर कड़ी आपत्ति है। एक और छोटा सा विषय है कि जो नागरिकता कानून बनाया गया है, और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से उसको लागू किया गया, और हालात इस समय नॉर्थ ईस्ट में जो गंभीर हैं, उस पर हमारे आदरणीय श्री हिजेम राजेंद्र सिन्हा जी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आपको इस विषय में बताएंगे। और मेरे साथ में, आपने देखा है कि मेरे साथ डॉक्टर विजय कुमार जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, और श्री शिवराज सिंह जी, जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो जो मेन मुद्दा है, ये 10% आरक्षण, हम इसका विरोध करते हैं। इसके विरोध के कारण है, नंबर एक, संविधान में कहीं भी आरक्षण के लिए आर्थिक आधार नहीं है। संविधान सभा में जब अनुच्छेद 15 और 16 पर बहुत व्यापक रूप से चर्चा हुई, बहुत से सवाल आए, और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन सभी सवालों के जवाब दिया, और जितने भी संशोधन थे उनको खारिज किया, और संवैधानिक प्रक्रिया जिस तरह से हो उसमें सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही आरक्षण की उन्होंने बात की, आर्थिक आधार को पूरी तरह से उन्होंने खारिज किया। लेकिन भाजपा सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रही है। इसमें दो चीजें हैं। आज ये सवर्ण समाज को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे रही है, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 50.5% आरक्षण ऑलरेडी इस देश में सवर्ण समाज के लिए पक्का किया हुआ है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें मोहर भी लगा रखी है, यह कहकर कि देश में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। यानी कि 15% आबादी को आपने 50.5% आरक्षण पहले ही दे रखा है, पक्का कर रखा है, तो 10% आरक्षण का क्या मतलब है? और दूसरा, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज इन्होंने आर्थिक आधार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, खिलवाड़ किया है, उसमें ये आर्थिक आधार को लागू करने जा रहे हैं, राज्यसभा तक से वो पास हो चुका है। तो कल इसका सहारा लेकर जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड समाज को, OBC को जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण पर ये फिर कुठाराघात करेंगे। फिर इन्हें एक हाथ रखने के लिए आज एक मौका मिला है, कल फिर उस पर बात करेंगे कि इसको सामाजिक और राजनीतिक, शैक्षणिक आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो एक तरह से ये पिछले दरवाजे से संविधान में संशोधन करके जो SC ST और OBC का आरक्षण है, उस पर कुठाराघात करने की बहुत बड़ी साजिश है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक विरोध हमारा और भी है कि बहुजन समाज के, या विशेष कहें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के, यहां तक कि OBC समाज के भी जितने भी नेता संसद में बैठे हैं, सांसद संसद में बैठे हैं, उन सभी ने इसका समर्थन किया, इस आरक्षण का, जबकि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए था। केवल दो लोगों को अगर मैं कहूं, उसैदुद्दीन ओवैसी और RJD के सांसद जिन्होंने राज्यसभा में किया मरोड़ झा, इन दो को छोड़ के बाकी इन सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। इसका मतलब यह है कि आप
संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है और आप तमाशा देख रहे हैं। आपको यह भी नहीं पता कि ये कल इसका सहारा लेकर आपकी पीठ में किस तरह से कुठाराघात करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी आपत्ति मुझे इस बात पर है कि अगस्त 2018 में इस बहुजन समाज की जो नेता मानी जाती हैं, माननीय बहन जी मायावती जी, सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहल उन्होंने इस बात में की। उनका एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्लिप है, बाकायदा उन्होंने कहा, जिसको आप समता आवाज टीवी के 29 अगस्त का जो उन्होंने उस पर प्रसारण किया है उस पर जाके देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है माननीय बहन जी ने कि अपर कास्ट के गरीब लोगों को अगर सरकार संविधान में संशोधन करके 18% या उससे अधिक आरक्षण देना चाहती है तो हमारी पार्टी इसका सबसे पहले स्वागत करेगी। भाई अगर इसकी बात है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण अगर संविधान में संशोधन कर रहे हैं आप तो सबसे पहले ओबीसी का जो आरक्षण है जो उसकी आबादी के अनुपात में उसे मिलना चाहिए, उसकी आबादी 55% से ज्यादा है, उन्हें मात्र 27% आरक्षण मिला हुआ है, तो पहले आप संविधान में संशोधन इस बात के लिए कीजिए कि उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में पूरा आरक्षण मिले, यानी 55% से ज्यादा आरक्षण उन्हें मिले। दूसरा, जो बहुजन समाज के, जो दलित समाज के, SC ST समाज के जो गरीब लोग हैं और उन्हें जो आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है 22.5%, वो आज तक पूरा नहीं है, तो ईमानदारी अगर आपकी है तो पहले उसे पूरा करें। आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ओबीसी का हिस्सा जो है उसका हक जो है आप उसे नहीं दे रहे, और सवर्ण समाज के लिए आप ये 10% आरक्षण कर रहे हैं, तो आप बहुजन समाज की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं और पर्दे के पीछे से आप उनका आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं। दूसरा एक चीज और है कि जब नौकरियां ही नहीं हैं, देखिए बड़े दुखद बात है कि जिस दिन आरक्षण की चर्चा लोकसभा में हो रही है उससे पहले ही दिन फ्रंट पेज पर न्यूज है, उस न्यूज में है कि 2018 में 1,10,00,000 नौकरियां खत्म हो गई। तो जब नौकरियां ही नहीं हैं और वैसे भी 24,00,000 केंद्र सरकार में और बाकी जो है राज्य सरकार में मिला के तकरीबन 1,00,00,000 खाली पद पड़े हैं, पहले तो आप उन्हें भरें, उन्हें नहीं भर रहे हैं और आप ये आरक्षण कर रहे हैं, तो आप समाज के साथ में धोखा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सीधा सीधा समाज को धोखा देना, गुमराह करना, और सही मायने में जो असल मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से असफल रही है, वो चाहे 2 करोड़ नौकरियां का हो, चाहे 15,00,000 खाते में आने का हो, चाहे वो FDI का हो, चाहे जो मेक इन इंडिया का हो, चाहे स्मार्ट सिटी का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, और नोटबंदी के बाद जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क हुआ, 2% GDP जो है डाउन हुई और लगभग 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उस सब से ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि चुनाव सर पे है, ये मुद्दे सवाल पूछेंगे लोग बाग, उनसे ध्यान बटाने के लिए ये एक शगुफा छोड़ा गया है, ये जुमला छोड़ा गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।